हाय फ्रेंड, मैं मोहन, टेक्निकल मोहनलाल जी में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने आया एक नई वीडियो नई टेक्निक के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा, नॉर्मली बहुत कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, जो यूट्यूब का चैनल जो मैंने पहले जो वीडियो बनाई है यूट्यूब का चैनल का नाम आप कैसे चेंज करें अपने मोबाइल से, तो उसमें कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिससे आप अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम अदर चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज बताऊंगा आपको कैसे आप, और ये नई टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आपका नाम 100% चेंज हो जाएगा फ्रेंड। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस फ्रेंड ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निक वाली वीडियो पर डे अपलोड करता हूँ जो फ्रेंड आपके लिए हेल्पफुल होती हैं और आपके लिए बेनिफिट वाली होती हैं फ्रेंड। तो मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड, के नीचे एक बेल का आइकन आ जाएगा, बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल के आइकन पर क्लिक कर देंगे आप मेरे फ्रेंड बन जाएंगे और मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और जब भी मैं कोई भी टेक्निक वाली वीडियो अपलोड करता हूँ फ्रेंड तो उसकी आपको नोटिफिकेशन द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगी और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। और जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जो नॉर्मल मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसको नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि उससे क्या होता है, आप एक बार नाम चेंज कर लेते हैं या दो बार चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नहीं चेंज कर पाते हैं नाम। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि आपने पहले भी उसका नाम आपने चेंज किया होगा चैनल का, तो उसके रिगार्डिंग यूट्यूब की जो पॉलिसी है एक या दो बार आप नाम चेंज कर सकते हैं अपने चैनल का। तो मैं आपको इस टेक्निक में बताऊंगा आप कितनी बार भी नाम चेंज कर पाएंगे आसानी से फ्रेंड। तो कैसे कर पाएंगे फ्रेंड मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो में क्या करना होगा मैं आपको क्लियर बताऊंगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें जो आपको पता लग पाए कैसे कैसे आपको स्टेप लेने पड़ेंगे और कैसे अपने चैनल का आसानी से नाम चेंज कर पाएंगे फ्रेंड। जो भी फ्रेंड को दिक्कत आ रही है यूट्यूब का नाम चेंज करने के लिए, तो फ्रेंड इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें जो आपको पता लग जाए कभी भी आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना पड़ा तो आसानी से फ्रेंड कर पाएंगे 100%। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसके रिगार्डिंग हमको किसी भी ब्राउजर में अपना यूट्यूब को खोल लेना है, जैसे कि मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड। क्रोम जो मैंने ओपन कर लिया है फ्रेंड, क्रोम ओपन करने के बाद फ्रेंड हमें यूट्यूब इसमें लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब अकाउंट ओपन करना है। जैसे अपना यूट्यूब अकाउंट ओपन कर लेते हैं फ्रेंड, तो इसमें देखिए आपको अपने यूट्यूब को अपने लॉगिन कर लेना है। इसे देखिए मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है अपना, ये मेरा डमी अकाउंट है, ये मैंने आप सबको सिखाने के लिए बना रखा है कैसे कैसे आपको करना होगा और कैसे कैसे आप यूज करेंगे अपने यूट्यूब चैनल को। तो इसके रिगार्डिंग के बाद आपको देखिए राइट हैंड में आपका लोगो नज़र आ रहा है, इस लोगो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते तो आपका देखिए इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, इसमें आपको देखिए एक गरारी का ऑप्शन नज़र आ रहा है सेटिंग का, क्रिएट स्टूडियो के बराबर में आपको गरारी का ऑप्शन नज़र आ रहा है फ्रेंड, उस पर आपको क्लिक कर लेना है फ्रेंड। जैसे ही फ्रेंड क्लिक करते तो आपका सेकेंड इंटरफेस ओपन होगा, इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा फ्रेंड। अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, पहले मैं दिखाऊंगा मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी कैसे आपको नाम चेंज करना होता था। तो आपका देखिए एडिट, ये एडिट नज़र आ रहा है चैनल के नाम के बराबर में एडिट गूगल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड क्लिक करते हैं आप इस पर तो हमारा इस टाइप का इंटरफेस हो जाता है। तो मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे आप यहाँ से अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम जैसे कि मैंने इसमें डाला, जैसे कि मैं डाल देता हूँ इसमें कुछ भी लगा देता हूँ और इसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड, तो ऑटोमेटिक नाम चेंज हो जाता था, क्योंकि एक या दो बार इस टाइप से आप नाम चेंज कर पाएंगे। अब देखिए मैं कुछ भी लगा रहा हूँ इसके अंदर और देखिए नाम चेंज नहीं हो रहा है, देखिए इस हिसाब से नाम चेंज नहीं हो रहा है, ये बता रहा है नाम नहीं चेंज हो पाएगा आपका। तो क्या होता है कि हमारे फ्रेंडों को नॉर्मली आपने नाम गलत तक रख लिया है तो आपको नाम तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आपके नाम चैनल की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी तो आपको नाम तो अपना चेंज करना होगा, क्योंकि आपने चैनल का नाम कुछ ऐसा गलत रख दिया है जो आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको चेंज ही करना है। तो फ्रेंड आप आसानी से कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे मैं बताता हूँ आपको। तो बहुत से फ्रेंडों को यही प्रॉब्लम आ रही होगी जिस हिसाब से नाम चेंज नहीं हो रहा है, देखिए मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, देखिए सेम एनआर आ रहा है, इस टाइप का एनआर आ रहा होगा। तो अब इसके रिकॉर्डिंग क्या करना होगा फ्रेंड, इसके रिकॉर्डिंग आपको छोटा सा एक प्रोसेस करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ।
इसके रिकॉर्डिंग देखिए, आपको ये नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, गूगल एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको जाना है गूगल प्लस पर। जैसे गूगल प्लस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे इस टाइप का इंटरफेस आपका फ्रेंड आ जाता है तो इसमें देखिए नीचे आपका, देखिए इस लेफ्ट हैंड में एक आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है फ्रेंड। इस सेटिंग के ऑप्शन में आपको फ्रेंड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका इस टाइप का हमारे यहाँ जो गूगल प्लस की जो सेटिंग है वो आपकी ओपन हो जाएगी फ्रेंड। देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको इंस्टॉल करके ऊपर कर देना है। ऊपर करके देखिए नीचे लिखा हुआ है डिलीट योर गूगल प्लस प्रोफाइल। गूगल प्लस प्रोफाइल आपको डिलीट करनी पड़ेगी फ्रेंड। इसमें कुछ वो ऐसी कोई डाटा नहीं होता, नॉर्मली चीज़ होती है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे गूगल प्लस प्रोफाइल पर फ्रेंड क्लिक करते हैं तो आपका इस पर पासवर्ड मांगेगा, आपको इस पर अपना पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप पासवर्ड डाल देते तो आपको इसको नेक्स्ट में ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। जैसे ही आप नेट पे क्लिक करते तो फ्रेंड आपका इस टाइप का पेज ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, इसमें क्या करना है आपको, देखिए ऊपर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है आपका डिलीट योर गूगल प्लस प्रोफाइल। ये कह रहा है कि आप गूगल प्लस जो प्रोफाइल है अपनी डिलीट करना चाहते हैं, यस या नो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का, डिलीट पे आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड। जैसे ही फ्रेंड आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल देखिए इस टाइप का, फिर तो इसमें आपको देखिए इस पर क्लिक कर देना है नीचे वाले प्रोसेस पे, सबसे अदर से ऊपर का प्रोसेस जो है उस पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड। उसके बाद आपको देखिए सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसमें से आपको कोई भी हानि नहीं होगी, आपका यूट्यूब चैनल भी सेफ रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा, अपना नाम आसानी से चेंज कर पाएंगे फ्रेंड। तो इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको फिर जाना है अपने गूगल प्लस पे। यहाँ पे गूगल प्लस पे आपको ओके करना है दोबारा। जैसे गूगल प्लस पे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड तो आपका इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें क्या करना है आपको, ज्वाइन कर लेना है दोबारा। देखिए आपका गूगल प्लस का दोबारा अकाउंट इसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए आपको नजर आ रहा है ज्वाइन गूगल प्लस, इस पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड। जैसे आप क्लिक करते हो तो देखिए आपका चैनल का नाम आ चुका है, जैसे कि उसमें था आपका चैनल, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए चैनल का नाम आपको नजर आ रहा है इधर, बीना जी, बीना जी नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए आप गूगल प्लस पे जो आपके अकाउंट पे जो नाम है, देखिए यहाँ शो कर रहा है बीना जी। अब इसमें मैं बीना लाल जी कर देता हूँ, इसमें मैं अपने चैनल का नाम जो भी आपको चेंज करना है तो इस हिसाब से कर पाएंगे। देखिए मैंने इसमें लगा दिया है। अब लगाने के बाद आपको अपनी इसमें मेल फीमेल लगा देना है, आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करके आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको देखिए नीचे लिखा हुआ है क्रिएट प्रोफाइल, क्रिएट प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड। जैसे ही आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए नाम यहाँ आ चुका है बीना लाल जी। इसके बाद नीचे आ रहा है देखिए सेव, सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल का नाम भी चेंज हो जाएगा फ्रेंड। अब हम देख लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज हुआ है कि नहीं किया, तो हम यूट्यूब पर जाते हैं अपने। देखिए अभी यहाँ क्या शो कर रहा है आपको नज़र आ रहा होगा बीना जी, बीना जी से नज़र आ रहा है, तो मैं इसको रिफ्रेश मार देता हूँ एक बार। तो देखिए फ्रेंड मैंने ये रिफ्रेश मार दिया, रिफ्रेश मारने के बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है बीना लाल जी। इस हिसाब से फ्रेंड अपना कोई भी अपना नाम आसानी से चेंज कर पाएंगे, एक दिन में दो बार नाम भी चेंज कर पाएंगे फ्रेंड। तो इस हिसाब से अपना दूसरा जो भी चैनल का आपको नाम रखना है तो इस हिसाब से रख पाएंगे फ्रेंड। तो मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आगे चल के आपको इस चैनल के नाम को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड। तो मैं कहना चाहूँगा इस हिसाब से अपना नाम आसानी से चेंज कर पाएंगे फ्रेंड।
तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है और अच्छी तरह आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो फ्रेंड मैं कहना चाहूँगा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको सेंड करें, जो इस वीडियो का सबको लाभ हो और सब इसका बेनिफिट ले पाएँ। फ्रेंड तो इस वीडियो का अंत करने से पहले फ्रेंड मैं कहना चाहूँगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड नीचे एक रेड कलर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निक वाली वीडियो पर डे अपलोड करता हूँ जो फ्रेंड आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। और जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नीचे एक बेल का ऑप्शन आएगा, बेल के ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूलें। फ्रेंड जैसे ही आप बेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे जब भी मैं कोई भी टेक्निक वाली वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी आपको नोटिफिकेशन द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगी और सबसे पहले फ्रेंड मेरी वीडियो को देख पाएंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टेक्निक भरी वीडियो और बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, अंत करने से पहले दोबारा कहूँगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। ओके बाय।